अच्छा है साढ़े मुनीर साहब ने, अच्छा ये जमींदार भाई ने साढ़े, हाँ तो जी माशाल्लाह ये माल डंगर के बारे काफ़ी रखते ने, तो मौसमियाती पेशगोइयां ते भी इन्हें दी काफ़ी नज़र आती, तो अच्छा अज अच्छा तो मुलाकात करन आए ने। मोस्ट वेलकम जी, अच्छा तो शुक्रिया। सुनाओ चौरी साहब, अजकल की मसरूफियात है तुहाडी, तो जमीन फसलों का की हाल चाल ने? अल्लाह ताला दा बड़ा शुक्र आ कि कणक जिहड़ी फसल है सी ना अपना चावल दी, वो असी खैर खरीयत दे नाल सारी जिहड़ी वो संभाल ली आ, ते अच्छा मौसम भी ठीक रहा वा जिहदे नाल कोई परेशानी नहीं बनी, ते हुण अगे उस जमीन नूं असी तैयार कर रहे हां गंदम बीजण वास्ते, ते कुछ जिहड़ी तैयार हो जाती है वो नाल दे नाल ही असी फौरन ही गंदम जिहड़ी आ बीजी जा रहे हां, ताकि कणक की फसल लेट ना होवे ठीक हो ते गया। टाइम दे नाल बीजी जावे, ते उहदी फिर जिहड़ा झाड़ वा वो भी बेहतर निकलदा वा। अच्छा ते चौरी साहब, अजकल फिजा दे विच गर्दो गुबार ते धुएं दा कोई ज्यादा ही असर हो गया, ते जदी वजह तो सूरज भी सही तरीके नाल नजर नहीं आ रहा, तो धुप्प का भी कोई खास असर जमीन ते नहीं पै रहा, हाँ जी ते इहदे नाल सांस की तंगी, गला खराब, सीना सीने का दर्द हो गया, सर दर्द ते बुखार, इहदी वजह तो बजुर्गों ते बच्चों के काफ़ी मसले पेश आ रहे हैं। अल्लाह ताला कोई परेशानी है जिहड़ी है उन्होंने अल्लाह ताला हल कर देंदे ने, बिल्कुल। ते एक मौसमियात वाले ने एक खुशखबरी दिती आ कि अच्छा, इस हफ्ते दे विच जो अपना हफ्ते ते इतवार नूं ठीक हो गया, बारिशां आ रही वा, ठीक हो जो गया, बारिश आई तो वो नाल फिर सारे जिन्हें मसले आ ना ठीक हो गया, ये गर्दो गुबार ते जो अपना बाहर डस्ट वा ते धूल जो कुछ भी आ ना, ये बारिश की वजह तो सारा कुछ खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। जो तो ये खत्म हो गया तो वो जिन्हें भी आ गले दियां बीमारियां, जो बच्चे बीमार ने, नज़ला जुकाम खांसी जो कुछ भी है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी के नाल सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा। इहदे नाल तां चौधरी साहब साढ़े फिर बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे, हाँ जी मौसम भी ठंडा हो जाएगा। ये नाल ही बड़े मसले हल हो जाएंगे, मौसम ठंडा हो जाएगा। ये हुण तुहानूं एक होर मैं दरखास्त करदा वा, ये हुण मौसम ठंडा होना ना, बारिशां होनियां, ये नाल बच्चे ते जिहड़े बुढ़े आ वो बीमार हो सकदे आ, ते हुण तुसीं गर्म कपड़े जिहड़े आ ना ये फौरन कढ लैणे आ, ते बच्चियां नूं ते बुढ़िआं नूं जिहड़ा सर्दी तों बचाउणा वा, वो सर्दी तों बच जाणगे ते जिहड़े बीमार ना होणगे आ जिहड़ा नज़ला जुकाम खांसी ये तों बचे रहणगे। दूसरी गल है कि बच्चे चढ़ती सर्दी जो लग जाए ना बच्चे बच्चे जड़े बुढ़े जो बच्चे वाला हाल उन्होंने होंगे, तो फिर पूरी सर्दियां जड़िया उन्होंने निकलियां बहुत मुश्किल हो जाएं, उन्होंने फिर या सीने की तकलीफ है ना, ये सारी सर्दी नहीं जाती। तो मैं तुहाडे अगे दरखास्त करा कि हम बच्चों तो बुढ़िया फौरन गर्म कपड़े जड़े ना पवा देने। अच्छा तो चौरी साहब, कोई साढ़े इलाके में भी बारिश होएगी, कोई पेश कोई है? हाँ जी इंशाल्लाह जी, मौसमियात वाले ने पेशीनगोई दी आ, लाहौर गुजरांवाला फैसलाबाद सियालकोट ये जिन्ना भी इलाका वा ना, ये सारे दे विच हफ्ते दे इतवार नूं हल्की तो दरमियानी बारिश होएगी, ते जिहदे नाल कणक की फसल जिहड़ी लोगों ने बीजनी उह ते बड़े अच्छे असरात होणगे। ठीक हो गया, टाइम नाल जिहड़ी है जमीन जिहड़ी सारी जिहड़ी रौनी हो जाएगी, और रौनी होण तों बाद फिर कट्ठी जमीन सारी तैयार कर लओगे, उस तो बाद टाइम नाल फसल बीजी जाएगी, ते उहदे नाल जमीन जिहड़ी आ ना कणक की फसल वो अच्छी होएगी, तो उहदा झाड़ भी अच्छा होएगा। चौधरी साहब, साढ़े जनूबी पंजाब भी कोई बारिश का इम्कान है? हाँ जी, तुहाडे जनूबी पंजाब के कुछ इलाके जिहड़े ने लईया पखर इन्हां इलाकियां दे विच जिहड़ी है बारिश होएगी, ये बरानी इलाके ने, ये बरानी इलाकिया ना बारिश नाल ही इहदे तुसीं फसल जिहड़ी बीजनी है, क्योंकि उत्थे दूसरा पानी नहरी पानी दे सिस्टम ते है ही नहीं, ये हुण जदों बारिश होएगी ते तुसीं टाइम दे नाल ये चने ते जिहड़ी कणक दी फसल जिहड़ी बीजनी है ना, होर भी जिहड़ी फसल को बीजनी है ते उह फौरन ही बीज लैणी, ताकि उह जिहड़ी नमी आ उह बरकरार रह सके। अच्छा चौधरी साहब, इस बारिश दे नाल स्मोग धुंद ते भी कोई असर पएगा? हाँ जी, स्मोग धुंद जिहड़ी है सारी सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, ते फिर दोबारा जिहड़ी है ना ये स्मोग ते धुंद जिहड़ी है तकरीबन नवंबर का महीना जिहड़ा ना ये ज़्यादा हुंदी आ, उस तो बाद इहदी वैसे भी जिहड़ी मकदार वो घट जाती आ, हुण एक दफा जदों बारिश दे नाल स्मोग धुंद जो डस्ट वस्ट वा सारा कुछ खत्म हो गई ना, ते दोबारा फिर ये जल्दी नहीं इंशाल्लाह आएगी, ते मौसम ठीक रहेगा जिहदे नाल मतलब जो भी आ बीमारियां वगैरह जो कुछ भी आ सारा कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि चौधरी साहब बारिश के नाल दरख्त भी धुल जाएंगे, तो जी जमीन तो धूल वगैरह वो भी थले बह जाएगी। हाँ जी, वो सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा, मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस उरी दी तुसीं कहिंदे ना भी धुप जमीन ते नहीं पहुंचदी, बिल्कुल बिल्कुल, ये जिहड़ा गर्दो को अखबार है ना फजा दे विच उहदी वजह तों ये जिहड़ी तों जमीन दे उत्ते धुप दा असर नहीं आ रहा, ते जदों ये फजा साफ होगी
ਧੁੱਪ ਵੀ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਨੋਪੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ ਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਬਗਲਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੌਸਮੀ ਆਦਿ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।